इंटरव्यू गड़े फ्रॉम एमएनएस न्यूज़ लाइव। मैच के पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बुमराह को लेकर कही ये बात, वर्ल्ड कप 2019 में भारत का अगला मैच पाकिस्तान के साथ खेला जाना है। यह मैच 16 जून को यानी कल खेला जाएगा। इस दौरान सबकी नजरें भारत पाकिस्तान पर टिकी हुई है। भारत को इस वर्ल्ड कप का फेवरेट टीम माना जा रहा है, तो वही इस पसंद में पाकिस्तान टॉप 4 में भी शामिल नहीं है। पाकिस्तान की टीम रविवार को मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में भारत के खिलाफ विश्व कप में जीत के सूखे को खत्म करने के बाद इरादे में उतरेंगी। बता दें कि साल 1992 से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच में 6 मुकाबले हुए हैं। इस सभी मैचों में टीम इंडिया विजय रही है। भारत को मात देने के लिए रविवार को पाकिस्तानी बल्लेबाजों को टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से पार पाना होगा। अब तक खेले 2 मैचों में बुमराह 5 विकेट झटक चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत में उन्होंने अहम भूमिका अदा की। ऐसे में पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज बाबर आजम ने कहा है कि उनकी टीम ने बुमराह से निपटने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। बाबर ने कहा है कि उसके लिए हमने कोई स्पेशल प्लान तैयार नहीं किया है। हम बुमराह का सामना करने के लिए अपनी योजना में कोई बदलाव नहीं करेंगे। सभी के लिए हमारा प्लान एक जैसा रहेगा। बाबर ने माना कि भारतीय टीम की गेंदबाजी मजबूत है, लेकिन पाकिस्तानी टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करेंगे। भले ही बुमराह पैक्टर को बाबर की दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन वो निश्चित तौर पर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट के दिमाग में होगा। 25 वर्षीय इस भारतीय गेंदबाज ने अपने सभी सिंगल एक्शन से पिछले दो तीन सालों में पूरी दुनिया में कह डाया है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।